दोस्त त्रिवेदी का प्रणाम है, हमारे चैनल में आपका फिर एक बार स्वागत है। आइए, जितने भी कार्य थे वो सारे कार्य को पूरा कर लिया गया है। हमारे यहाँ 22 जनवरी से ही उत्सव था और 23 जनवरी से लगातार निरंतर हनुमान चालीसा का पाठ और कीर्तन भजन हमारे 18 भुजा वाली मैया के दरबार में चल रहा था। 31 तारीख को माँ का जन्म दिवस हम लोग मनाए अच्छा से, और कीर्तन भजन करने के बाद थोड़ा सा एंगेज थे। आइए, थोड़ा लेट हो गया ये वीडियो डालने में, 5 दिन 6 दिन हो गया है, लेकिन चलिए जैसे मैया आदेश दी वैसे आपके बीच फिर आ गए हैं एक छोटा सा फिर वीडियो लेकर के। ढोलक का बहुत अच्छा लेसन है, इसको भी आप जरूर तैयारी कर लें। और आपको बता दें कि जितना भी लेसन आपको हम दिए हैं पहले, वो भी लेसन को आपको बजाते रहना है, उसको छोड़ना नहीं है, उसको बजाते रहना है, निरंतर आपको मेहनत करते रहना है। जो पहले का बोल है उसको ऐसा नहीं करना है कि वो पहले का बोल यदि आप बजा लिए तो हाथ में आ गया तो छोड़ दिए, तब वो आगे चल के दिक्कत दे देगा। और उसको थोड़ा बहुत करके 2 मिनट 4 मिनट उसको भी बजाते रहेंगे तो हाथ में बना रहेगा। और कोशिश रखिए कि आपके अगल बगल यदि कीर्तन भजन हो रहा है तो वहां जरूर बैठे आप, और बैठ के थोड़ा सा आप भी बजाने का प्रयास करें जरूर। इससे क्या होगा कि गायक लोग के साथ यदि आप बजाते हैं तो आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा और आपको मजा आएगा बजाने में। ठीक है, आइए। आपको आज हम बोल जो देने वाले हैं वो गौर से समझेंगे। आज बोल है, बोल से पहले बजा के दिखाते हैं आपको, बड़ा आनंद आएगा और बहुत ऐसा लचकदार ये ठेका है, बहुत ऐसा भजन में आपको बजाना है इस ठेका को सीख करके। पहले तो आप यही कर ले, धाधा तेटे ताता धेटे। देखिए, हम हर वीडियो में बड़ा बड़ा बोल नहीं देते हैं, ज्यादा लंबा नहीं देते हैं, हमारा ये शुरू से आदत है। आप जितना भी वीडियो मेरा है नोटिस करेंगे, हम छोटा छोटा देते हैं कि आप लोग रिकवर कर पाए जल्द से जल्द, क्योंकि मेरा निरंतर वीडियो आपके बीच आ ही रहा है तो हड़बड़ाने से क्या फायदा है। आराम से एक एक बोल करके आपको सीखना है। कुछ बोल को हमको रिपीट भी करना पड़ रहा है कि बहुत लोग बोलते हैं कि सर आपका जो है ये ताल का वीडियो जो है मिल नहीं रहा है, तो हमको लग रहा है कि कभी कभी वो चीज को भी हम रिपीट करके आपको देते हैं कि ताकि जो लोग नए जुड़े हैं चैनल से वो भी सीख पाए। आप लोग की सुविधा के लिए ऐसा करना पड़ रहा है। आइए बोल अब स्टार्ट करते हैं। अब आइए आपको बारीकी से बता रहे हैं, धाधा तेटे ताता धेटे, बस इतने बजाना है। धा धा, ये फर्स्ट फिंगर धा, जो लोग खुला बजाते हैं खुला बजाएंगे, गौर से समझेंगे। धा 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 तेटे ते ते, धा धा तेटे ताता धीन, धा धा तेटे ताता धीन, धाधा तेटे ताता धीन, धाधा तेटे ताता धीन, धाधा तेटे ताता धीन। ये वीडियो हम पहले बनाए हुए हैं, जो लोग ये बजाते हैं वो लोग को आज जो देने वाले हैं उसमें आसान हो जाएगा। धाधा तेटे ताता धीन, तो धाधा तेटे ताता धीन,
तो आप चेंज करके बजा सकते हैं। जो लोग सीख गए हैं दादा टेटे ताता धिन में, दादा टेटे ताता धिन, तो उनके लिए होगा क्योंकि यही ताल में आपको ये भी लगाएंगे तो थोड़ा वेरिएशन हो जाएगा, थोड़ा चेंज होकर के लोग को अच्छा लगेगा ताल चेंज करने के बाद। तो ये जो लोग तैयारी कर लिए उनके लिए और आसान हो जाएगा। ये जो आज देने वाले हैं, आज क्या देने वाले हैं, धा धा ते टे ता ता धे टे। पहले का वीडियो क्या था, धाधा ते टे ता ता धिन, धाधा ते टे ता ता धिन, इसी में एक छोटा सा पिकअप लगा करके फिर वो बजाना है, ता ते टे ता ते टे ता, धाधा ते टे ता ता धिन, धाधा ते टे ता ता धिन, ता ते टे ता ते टे ता, धाधा ते टे ता ता धे टे, धाधा ते टे ता ता धे टे। पिकअप के बाद आप ये लगाएंगे। आइए इसको बारीकी से बता रहे हैं क्या बजाना है। बजाना है धा धा टे टे, इतना तो क्लियर है, धा धा टे टे ता ता धे टे। धे टे में क्या होगा, ये आपका बाया जो है घिसा लगेगा, धा धा टे टे ता ता धे टे, धा धा टे टे ता ता धे टे। धेटे में खाली घिसा लगेगा, बोल एकदम सॉलिड है और ज्यादा तुल तलम्मा है नहीं बोल में। बोल है धा धा, फर्स्ट फिंगर है बायां, देखिए एक बार बारीकी से आपको बता रहे हैं, धा धा टे टे ता ता धेटे। बस इसी को राउंडिंग में बजाना है, धा धा टे टे ता ता धेटे, धा धा टे टे ता ता। और याद रखेंगे जब ये फास्ट होगा तो धा एक के लगेगा, गिनती होगा दो धाधा, लेकिन लगेगा एक फास्ट होगा तो धाधा टेटे ताता धिन, धाधा टेटे ताता धिन, धाधा टेटे धाधा। इसका बोल आएगा धाता टेटे ताता धिन, धाता टेटे ताता धिन, धाता 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 टेटे ताता धिन। लेकिन शुरुआत में इसको भी तैयारी करना है, इसलिए आपको बजाना है धाधा टेटे ताता धिन, धाधा टेटे ताता धिन। हमको लग रहा है कि बहुत बारीकी से समझ गए होंगे, एक बार और आपको समझाते हैं, धाधा टेटे ताता धिन। अब जब ये आप निरंतर रियाज करने के बाद जब फास्ट होगा तो धा के लगेगा, धाता हो जाएगा, धाधा की जगह धाता, धाता धाता, धाता टेटे ताता धेटे, धाता टेटे ताता धेटे, धाता टेटे ताता धेटे, धाता टेटे ताता धेटे। शुरुआती में धाधा टेटे ताता धेटे, ये शुरुआत हुआ ताकि ये धा का भी रियाज आपका रनिंग में आ जाए। जब जब ये यही ताल फास्ट होगा तो बोलेगा धाता। शुरुआत कैसे करना है, धाधा टेटे ताता धिन। आइए जब हाथ में आ जाएगा आप फास्ट कर लेंगे रियाज करके, तब क्या बजाएंगे, धाता धाता टेटे ताता धिन, 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 धाता टेटे ताता धिन। बहुत फास्ट हो जाएगा, मेहनत आपको करना है बस। एक पिकअप तो आप जान ही रहे हैं, लेकिन जो लोग नए हैं उनको फिर एक बार बता दें, ताता टेटे ताता ताता, ये भी पिकअप कर लेना है, ताता टेटे ताता ता। ये और भी वीडियो में हम दिए हुए हैं, इसलिए आप पीछे का भी वीडियो जरूर देख लें। और आइए, बहुत ही अच्छा बोल है, बहुत मजेदार है, थोड़ा सा गुनगुनाए, बहुत सारा भजन में बजेगा। और देखिए कहां पर क्या बजेगा, जैसे कहरवा है आठ मात्रा है, तो आप यदि दो चार दस ताल को जान जाए, अब कहरवा में अनंत चीज है, जरा सा चेंज हुआ है कहरवा, मात्रा वही है, लेकिन उसका क्या है कि प्रकार बहुत सारा है,
तो यदि दो चार पांच को प्रकार आपके हाथ में आ जाएगा ना, तो आप दिमाग में ये सोचना है कि आठ मात्रे का गीत है, कहरवा का है, तो हम ये नहीं बजा के उसको भी सटा दे, उसको भी सटा दे। उसको सटाने के लिए पिकअप का जरूरत पड़ता है, और पिकअप भी आपको साथ साथ दिए जा रहे हैं। आप लोग इसी तरह मेहनत करते रहे, पिकअप और ये तैयारी की करें। ये नहीं सोचे कि ये ताल उसमें लगेगा कि नहीं। कहरवा का यदि ताल है, यदि सिंगल है, एक होता है डबल जो चौगुन में बसता है, वो नहीं है, सिंगल है प्लेन, हिसाब में यदि आप चल रहे हैं, तो दो दो तीन चार पैटर्न आप सीखे हैं, सबको आप यूज कर सकते हैं, कोई टेंशन नहीं है। इसलिए दिमाग को फ्री करके आप कोई असमंजस में नहीं पड़े कि कौन ताल किस में बजेगा। कहरवा है, आठ मात्रा है, बजेगा, वो बजेगा ही बजेगा, लेकिन उसको बजाने के लिए पिकअप का दरकार पड़ेगा। तो हमारा वीडियो आप देखते रहे, पिकअप को जरूर करेंगे। पिकअप है जोड़, वही पिकअप के बाद ही आप चेंज कर सकते हैं, अचानक चेंज करेंगे तो अच्छा नहीं लगेगा। चलिए आइए, इसी तरह मेहनत करते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। और ये जो आठ नौ दिन माँ के सेवा में जो थे, राम कथा पांच कुंडी हो, राम यज्ञ हो रहा था मेरे यहाँ, पांच कुंडी राम कथा था। शनि जी महाराज का 30 जनवरी को जन्म उत्सव था, अब मैया का 31 तक। हम थोड़ा परेशान थे दिन भर, चूंकि वहां से जुड़े हुए हैं तो हमको रहना पड़ता था, तो बहुत ऑनलाइन क्लास जो मेरा चल रहा है उसका भी क्लास नहीं ले पाए हैं। जो लोग हमारा वीडियो देख रहे हैं ऑनलाइन, हमसे क्लास ले रहे हैं, उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि कम से कम माफ कीजिएगा। अब कल शाकंभरी मैया का एक कार्यक्रम है मेरा, उसके बाद हम निरंतर जो है क्लास लेना स्टार्ट करेंगे। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जरूर माफी दीजिएगा हमको, क्योंकि माँ के सेवा में थे, प्रभु श्री राम के सेवा में थे, रहना पड़ता है, क्योंकि हम 25 साल से जुड़े हैं माँ के दरबार से। आशा है कि आप लोग जरूर माफ करेंगे और इसी तरह वीडियो को देखते रहें। जो लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं और उनको लग रहा है कि मेरा प्रयास, मेरा बताने का तरीका अच्छा लग रहा है, तो सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब, लाइक कमेंट जरूर करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अपने छोटे भाई मनोज त्रिवेदी को आज्ञा दें,